नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल मोरल सपोर्ट बाय राज। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप MTG से अपनी ID कैसे ग्रीन कर सकते हो। सबसे पहले आप जो भी ID ग्रीन करना चाहते हो आप उस ID लॉगिन कर लीजिए। मैं यहाँ पर अपनी ID लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों ID लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले चेक कर लीजिए आपके ई वॉलेट में MTG अवेलेबल है कि नहीं। मेरे केस में मेरे MTG इसमें अवेलेबल है, 2002 MTG मेरे इसमें अवेलेबल है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि आपको अपने MTG आपके इस ID पर पहुंचाने कैसे हैं। इसमें सबसे पहले ये ऑप्शन आता है कि MTG एड MTG वॉलेट बैलेंस, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये तरीका दिख जाएगा कि आप MTG अपनी ID पर कैसे भेज सकते हो। ये है वो MTG का वॉलेट एड्रेस है आपकी ID का, आप इसको कॉपी कर सकते हो और अपने कॉइन बाज़ार से इस पर सेंड कर सकते हो। प्रोसेस सीधा सिंपल सा है कि आपको कॉइन बाज़ार से MTG इस पर सेंड करना है और जितने भी MTG आपने सेंड किए हैं वो MTG का अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हैश जनरेट हुआ है उस ट्रांजेक्शन हैश को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और जो भी आपने अमाउंट सेंड किया है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप यहां पे अपलोड कर सकते हो और सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद 2 से 3 घंटे के अंदर आपके MTG आपके ई वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। दूसरा रास्ता यह है कि आप अपने सीनियर से या अपलाइन से ई वॉलेट पे अपने MTG मंगा सकते हो। तो मेरे केस में मेरे पास MTG ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो चलिए मैं अपनी ID ग्रीन कर लेता हूँ। ग्रीन करने के लिए सबसे पहले आपको MTG डिजिटल एसेट अर्निंग पर जाना है। MTG डिजिटल एसेट अर्निंग पर जाने के बाद MTG ज्वाइनिंग और अपग्रेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप MTG ज्वाइनिंग और अपग्रेड पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले MTG का अमाउंट लिखना है कि आप कितना MTG स्टेक करना चाहते हो। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर MTG स्टेक करना चाहता हूँ 2000। मैं 2000 अपने MTG स्टेक करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं ID नंबर डाल देता हूँ मुझे किस ID पे अपने MTG के लिए स्टेक करने हैं। तो मैं यहाँ पे ID नंबर डालने के बाद क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ID नंबर गलत शो हो रहा है, क्योंकि अगर ID नंबर सही होता तो यहाँ पे नाम लिखा आ जाता। देखिए ID नंबर सही है, मुझे जो भी ID गिन करनी है उनका नाम नीचे लिखा गया है मनोज कुमार जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे केस में मैं अपनी ब्रांच लखनऊ डालूँगा। लखनऊ सेलेक्ट करने के बाद स्टेकिंग का मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। मेरे केस में जो MTG स्टेक करना है मनोज जी को वो है 15 महीने के लिए। ठीक है, 15 महीने पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो पॉज रीस्टेक का ऑप्शन आएगा। ऑटो पॉज रीस्टेक का मतलब है कि आपके जो भी MTG आ रहे हैं वो आपके MTG ऑटोमेटिकली रीस्टेक होते जाएंगे। मान लीजिए 2000 MTG का मेरे को 12% के हिसाब से जो भी कमीशन आएगा वो अगले महीने वो भी रीस्टेक हो जाएगा। ठीक है, ID नंबर लिखने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। मैं OTP के लिए वेट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मेरा OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP डाल लेता हूँ और OTP डालने के बाद मैं आके पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डन का यहाँ पे मेरे को दिख गया है कि आपकी ID लग चुकी है, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी ID जो है मनोज कुमार जी की जो ID लग चुकी है या नहीं। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ई वॉलेट में 2 MTG पड़े हुए थे, राइट। और अब देख लीजिए MTG बेस कॉइन रिवार्ड में यहाँ पे 2000 MTG स्टेक हो चुके हैं। मैं यहाँ पे सेगमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2000 MTG मनोज जी के स्टेकिंग हो चुके हैं, जो कि है 15 महीनों के लिए। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप भी अपनी ID ग्रीन कर सकते हो। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच साथियों, जय मोरल।